हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बैंक एसएससी जोन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी एक आपके लिए इंग्लिश कोर्स लाने वाले थे, तो फ्रेंड्स हमने ये डिसाइड किया कि हम एक कोर्स इस पे हम दो कोर्स लॉन्च करेंगे। जो पहला कोर्स रहेगा वो रहेगा हमारा बेसिक इंग्लिश पर और दूसरा कोर्स रहेगा एडवांस्ड इंग्लिश पर। तो फ्रेंड्स, जो मेन मोटो इस कोर्स का वो ये है कि ये कोर्स फोकस करेगा जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो भी बच्चे कमजोर हैं इंग्लिश में, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, या जो भी जिनको एक डर है इंग्लिश से, वो दूर करने का हमारा इसका मोटो है कि वो आपके अंदर से वो फियर हटा दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये कोर्स रहेगा IBPS क्लर्क के लिए, SSC के लिए और रेलवे के लिए और आने वाले कई एग्जामों के लिए। तो फ्रेंड्स, जो मेन मोटो इंग्लिश का वो ये है कि आपके अंदर रीडिंग स्किल्स डेवलप्ड होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपके अंदर रीडिंग स्किल्स डेवलप्ड होंगी, उतना ही आप ग्रो करेंगे डे बाय डे। तो फ्रेंड्स, एक इंग्लिश एक तपस्या की तरह है। आप ये मत सोचिए कि आप इसको आप एक दिन में कवर कर लेंगे या दो दिन में कवर कर लेंगे। ये एक प्रोसेस है और आप में इसको बना आपको इसको कंटिन्यू रखना है। इसमें आपको एक महीने लग सकते हैं, दो महीने लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया कि जो IBPS क्लर्क है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। मैंने कई बार देखा है कि कई बच्चे 55 नंबर ला देते हैं प्री में, 48 नंबर ला देते हैं, लेकिन इंग्लिश की वजह से वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। या तो उनका सेक्शन कट ऑफ रुक जाता है, या वो जो नंबर गेन करने चाहिए थे इंग्लिश में उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इंग्लिश का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी बैंकिंग एग्जाम है उनमें इंग्लिश का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश एकमात्र एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप कम समय देकर ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक रिव्यू दूं तो कम से कम आप 15 मिनट में आप 30 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं IBPS क्लर्क के। तो फ्रेंड्स, ये चीजें आपको एकदम नहीं आएंगी, आपको टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं अनुराग सर, मैं हूं आशीष कोरी, मैं एक एडुकेटर हूं अन अकेडमी पर, ये मेरे फॉलोअर्स हैं, अभी मुझे यहां पर 10 दिन हुए सिर्फ। अनुराग सर SBI अभी इंटरव्यू देके आए हैं PO का, और ये NTPC 2016 रेलवे क्लियर कर चुके हैं और काफी और अदर एग्जाम स्टेट लेवल के एग्जाम भी क्लियर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको पढ़ाएंगे अनुराग सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है स्टेट लेवल एग्जाम्स में प्लस SSC एग्जाम्स में। लेकिन ये RC काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है SBI क्लर्क एंड IBPS क्लर्क में, क्योंकि यहाँ ये पूछा जाता है 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिलेक्शन 0.25 से भी रुक जाता है। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, क्योंकि आप RC को IBPS PO में स्किप कर सकते हैं, लेकिन IBPS क्लर्क प्लस SBI क्लर्क में आप इस RC को स्किप नहीं कर सकते, कोई चांस नहीं है। आप स्किप करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये कड़वी सच्चाई है। तो फ्रेंड्स, आपको बेसिक इंग्लिश हर इंसान को आना ही चाहिए अगर आपको इंडिया में कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है। फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि रेलवे के एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती है, अभी तक नहीं आती है, कोई गारंटी नहीं है। फ्रेंड्स, आपको आगने वाले एग्जाम में वो इंग्लिश कंपलसरी कर दें एंड आप स्ट्रगल करें एंड आप इसमें स्कोर नहीं कर पाएं, तो ये मत सोचिए कि मुझे इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंग्लिश सीखिए, अपने इंटरेस्ट के लिए सीखिए और इस चीज़ से सीखिए ताकि आप कभी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील नहीं करें। आपको बेसिक इंग्लिश इतनी आनी ही चाहिए, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, प्लस आप IBPS क्लर्क एंड SBI क्लर्क जैसे एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा RC है एक स्टोरी बेस्ड RC है, जो कि एक एग्जाम से उठाया गया है, जिस एग्जाम का नाम था SBI क्लर्क 2016। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट RC है, तो इस RC को मैं अभी RC के रूप में पढ़ा रहा हूँ। इस RC को मैं एक क्लोज टेस्ट का भी रूप दूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में है, अभी आप कंफ्यूज मत होइए। तो अभी मैं आपको इसको RC के रूप में पढ़ाता हूँ और सिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये RC आप कर सकते हैं। राज फैमिली डिसाइडेड टू रेनोवेट हिज होम, तो ये मिस्टर राज की फैमिली है, राज एथ लगाया apostrophe, तो राज की फैमिली ने डिसाइड किया है कि रेनोवेट हिज होम। अब ये डिसाइडेड मतलब एक निर्णय लिया है, डिसाइडेड टू मतलब एक निर्णय लेना, और रिनोवेट मतलब मरम्मत होता है, टू रिपेयर करना, किसी चीज़ को रिन्यू करना। तो फ्रेंड, इस तरह के वर्ड जो आते हैं रिनोवेट, यही वर्ड आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी और इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये वोकैबुलरी आपकी किस तरह से इम्प्रूव होगी, फ्रेंड्स आपको ये वर्ड पढ़ने पड़ेंगे, इस टाइप की शॉर्ट स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी
एंड आपको ये वर्ड यूज करने पड़ेंगे आपकी डेली लाइफ में। और आप डेली लाइफ में यूज वर्ड नहीं करेंगे तो आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे, बाय हार्ट नहीं कर सकते। किसी चीज को आप रटोगे आपको कभी याद नहीं होगी। आपको इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करना होगा एज अ मदर टंग। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सोचना पड़ेगा। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया उस लैंग्वेज में तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे उस लैंग्वेज में। तो यहाँ पे लिखा है टू रिनोवेट हिज होम। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, राज की फैमिली ने, कि अपने हाउस की मरम्मत करेंगे, उसको रिनोवेट करेंगे। तो आगे देखते हैं, ही परचेस्ड द होम बिफोर टू एंड अ हाफ ईयर। तो परचेज का मतलब होता है कि उन्होंने खरीदा था घर कितने साल पहले, बिफोर टू एंड अ हाफ ईयर, दो ढाई साल पहले उन्होंने घर खरीदा था। तो ढाई साल कैसे लिखते हैं, बिफोर टू एंड अ हाफ ईयर, जी इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, डायरेक्ट टू हाफ नहीं लिखते हैं, टू एंड अ हाफ ईयर्स लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब लिखा है सिंस हिज, फ्रेंड जी आ गए सिंस और फॉर का किस तरह यूज होता है। तो आप देखिए कि अब उन्होंने सिंस का यूज इस लैंग्वेज इस तरह से करा है कि सिंस हिज किड्स वर ग्रोइंग, तो उनकी किड्स ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिंस वर्ड यूज हुआ है। सिंस हिज किड्स वर ग्रोइंग ही एंड हिज वाइफ वॉन्टेड टू रिनोवेट इट, उनके बच्चे ग्रो कर रहे थे। सिंस का उपयोग इस सेंस में आया कि उनके बच्चे ग्रो कर रहे थे और इसलिए उन्होंने अपने ये फैसला लिया कि अपने घर को, उन्होंने और उनकी वाइफ ने ये फैसला लिया कि हम अपने घर को रिनोवेट करेंगे। दे डिसाइडेड, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, दे डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब निर्णय लेना। दे डिसाइडेड टू ब्रेक एंड ओपन, ब्रेक एंड ओपन, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने दीवार जो वॉल है लिविंग रूम की उसको तोड़ेंगे एंड ओपन करेंगे। लिविंग रूम को ओपन करना मतलब स्पेस बड़ा करना। उन्होंने सोचा कि हम अपने रूम को बड़ा करेंगे तो उस रूम की वॉल को ब्रेक कर देंगे लिविंग रूम की। लिविंग रूम मतलब ड्राइंग रूम, जो कि फ्रंट रूम होता है घर का, उसको लिविंग रूम बोलते हैं। तो इनिशियली व्हेन राज बॉट हिज हाउस, इनिशियली मतलब क्या होता है फ्रेंड, इनिशियली मतलब शुरुआती, मतलब शुरुआती स्टेज में जब राज ने वो घर खरीदा था हिज हाउस, वुडन वॉल्स वर यूज्ड। तो वुडन वॉल्स वर यूज्ड, तो वुडन वॉल्स मतलब लकड़ी की वॉल्स जो थी, लकड़ी की दीवार जो थी वो यूज करी गई थी। कैसे, एज अ इंटीरियर डेकोरेशन। अब इंटीरियर क्या होता है, जो अंदरूनी भाग को बोलते हैं हम इंटीरियर और जो बाहरी चीज को बोलते हैं हम एक्सटीरियर। तो इंटीरियर मतलब हमारे घर के अंदर है वो इंटीरियर रहेगा और जो हमारे घर के बाहर की हम पोताई कराएंगे, सफाई कराएंगे, तो वो एक्सटीरियर चीज कहलाएगी। तो इंटीरियर एक्सटीरियर आप ये वर्ड्स को आप रिलेट कर सकते हैं। फ्रेंड एक तरीका और है वोकैबुलरी को याद करने का, कि आप एंटोनिम सिनोनिम को साथ लेके याद करें तो आपको बहुत जल्दी चीजें याद होंगी कि इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है। एक वर्ड लिख लीजिए, उसके 10 सिनोनिम लिख लीजिए, 10 एंटोनिम लिख लीजिए, जितने हो सके मैक्सिमम लिख लीजिए एंड आप उनको रिलेट कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी वोकैबुलरी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इंटीरियर डेकोरेशन को एज अ पार्ट उन्होंने वुडन वॉल्स यूज हुई थी स्टोरी में। तो अब देखते हैं, देन ही डिसाइडेड टू रिमूव द वुडन वॉल्स। तो द वुडन वॉल्स वर रिमूव्ड एंड ही वॉज शॉक्ड। अब वो जो मिस्टर राज थे वो शॉक्ड हो गए। शॉक्ड मतलब क्या होता है फ्रेंड, एक सरप्राइज हो गए। कि किस चीज के लिए सरप्राइज हो गए, टू सी अ लिजर्ट। उन्होंने क्या देखा, एक लिजर्ट यानी छिपकली स्टक इन द हॉलो स्पेस। स्टक मतलब फंसी हुई थी एक हॉलो स्पेस, मतलब खाली स्पेस को हॉलो स्पेस बोलते हैं। जिस तरह एक बॉल होती है उसके बीच में जो स्पेस होता है वो हॉलो होता है, खाली स्पेस को हम एक हॉलो स्पेस बोलते हैं। तो दो बिटवीन द वॉल्स, बिटवीन कब यूज होता है, जब दो चीज होती है तब बिटवीन यूज होता है। इसी तरह जैसे तीन चीज की बात करते हैं तो अमंग यूज होता है फ्रेंड। तो यहाँ वॉल थी तो दो वॉल्स के बीच में, तो बिटवीन द वॉल्स, अगर तीन चीज होती तो अमंग वर्ड यूज होता है। बिटवीन द वॉल्स एक छिपकली लिजर्ट वो स्टक कर गई थी। अब ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड। अब ग्रेटली सरप्राइज मतलब कि वो मतलब आश्चर्यचकित हो गए। एंड वंडरिंग, ही वॉज वंडरिंग, क्या सोच रहे, वंडरिंग। अब इस तरह के वर्ड आ जाते हैं वंडरिंग, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं वर्ड्स के डायरेक्ट एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। कि वंडरिंग, वंडरिंग को पूछ लेंगे क्या सिनोनिम है, क्या एंटोनिम है, पांच ऑप्शन दे देंगे एंड आपको उनमें से गेस करना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये जो एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं वो चार मार्क्स के आते हैं 10 में से। उसी तरह जो एक नंबर का जो आपसे पूछा जाता है वो idioms एंड phrases। तो idioms एंड phrases की हम आपको बहुत अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे ताकि आप idioms एंड phrases एक बार वीडियो देख के आप सीख जाएं, आपको दोबारा वीडियो देखने तक की दिक्कत नहीं होगी एंड आप एक बार में सीख जाएंगे तो आप SSC में एक मार्क प्लस IUPS क्लर्क एंड SBI क्लर्क में आप एक मार्क इजिली idioms का स्कोर कर पाएंगे। तो ये वंडरिंग जैसा वर्ड आ गया तो इसके एंटोनिम सिनोनिम्स, आपको इन वर्ड्स की आपको मीनिंग पता होगा तो आप इजिली एंटोनिम सिनोनिम्स पता कर लेंगे। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ये वर्ड आ गया आपको लेकिन मीनिंग नहीं पता है तो आप
जरूरी नहीं आपको मीनिंग पता हो, आप कोशिश करिए कि आरसी से ही इस वर्ड को उड़ा दीजिए, वहीं से आप चार बार इस लाइन को पढ़ेंगे, इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप कुछ आइडिया लग जाएगा एंड आप तीन चार ऑप्शन और एलिमिनेट कर देंगे इजिली एंड आप एक नंबर इजिली गेन कर लेंगे। तो आप इस तरह से कोशिश करिए। तो आप वंडरिंग का मैं आपको मीनिंग बता दूं कि वंडरिंग वो सरप्राइज हो गए, एक तरीके से सोच में पड़ गए कि हाउ द लिजर्ड वॉज देयर, एक छिपकली वहाँ कैसे फंसी है, क्यों फंसी है। बिकॉज द वुडन वॉल वॉज कम्प्लीटली सील्ड, अब जो वुडन वॉल थी वो कम्प्लीटली सील्ड थी, मतलब बंद थी, तो एक छिपकली कहाँ से आ गई। तो वो इसमें आश्चर्यचकित हो गए कि जो कम्प्लीटली सील्ड वॉल के बीच में एक छिपकली कहाँ से आ गई, क्योंकि वहाँ देयर वॉज नो रूम। अब नो रूम एक टर्म है जो यूज करते हैं कि स्पेस नहीं हो, तो इंग्लिश में बोलते हैं नो रूम। इसका ये मतलब नहीं कि कोई कमरा नहीं है, रूम का मतलब कमरा होता है, लेकिन आप इसको कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये एक तरीके का इंग्लिश लैंग्वेज है जिसमें बोलते हैं देयर वॉज नो रूम टू इट, जैसे क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं कि उन्होंने कोई रूम नहीं दिया, तो रूम नहीं दिया मतलब स्पेस नहीं दिया। तो यहाँ पे इसी तरह यूज होती है इंग्लिश लैंग्वेज। तो देयर वॉज नो रूम टू मूव बिहाइंड द वॉल, तो कोई रूम नहीं था, तो इसीलिए वो अमेज्ड हो गए ये चीज देख के। देन ही सॉ दैट लिजर्ड फीट वॉज स्टक बाय नेल। अब नेल क्या होती है, नेल होती है कील को, नेल बोलते हैं। तो नेल को, नेल से एक लिजर्ड का जो पैर था वो स्टक कर गया था, तो वो इस चीज को देख के अमेज्ड हो गए। विच वॉज हैमर्ड फ्रॉम आउटसाइड, हैमर्ड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हैमर्ड मतलब, हैमर मतलब होता है हथौड़ा। तो हैमर्ड मतलब क्या होता है कि हथौड़े से ठोकी हुई चीज को हैमर्ड बोलेंगे। तो हैमर्ड फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहरी हिस्से से वो उस दीवार में हैमर्ड करी गई थी नेल, तो उसके कारण उस लिजार्ड का जो फीट थी वो स्टक कर गई थी, फंस गई थी उस दीवार में। तो अब इस चीज को देख के वो बहुत ही ग्रेटली सरप्राइज एंड वंडरिंग कर रहे थे, कि मतलब सोच में पड़ गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, इस पैराग्राफ की बात करते हैं। तो राज एंड हिज फैमिली वर रियली अमेज्ड सीइंग द लिजार्ड बिहाइंड द वुडन वॉल, तो उनकी फैमिली अमेज्ड थी। एंड फेल्ट टू बैड फॉर इट, अब फ्रेंड ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम कुछ भी बुरा देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो फेल्ट टू बैड, अब टू बैड ये एक तरीके से लिख सकते हैं, बैड भी लिख सकते हैं, टू बैड मतलब थोड़ा एक्सप्रेशन और ऐड करने के लिए हम लिख सकते हैं कि फेल्ट टू बैड, आई फेल्ट टू बैड फॉर यू, मतलब हमें बहुत बुरा लगा कि आपके साथ ऐसा हुआ। तो इसी तरह यूज कर सकते हैं इस वर्ड को, टू बैड। तो मिस्टर मिसेज राज, अब मिसेज राज ने रिमाइंड किया, रिमाइंडेड मतलब बताया, याद दिलाया, रिमाइंडेड मतलब याद दिलाना किसी चीज़ को, कि दे हैड हैमर्ड अ नेल टू हैंग देयर किड्स फोटो, तो उन्होंने इनको याद दिलाया कि उन्होंने एक हैमर्ड करी थी नेल कि उनके बच्चे की फोटो टांगने के लिए। तो हाउएवर फ्रेंड, अब जैसे नेक्स्ट टाइम देखते हैं, हाउएवर दे ऑल हैड अ क्वेश्चन, उनके पास एक क्वेश्चन था कि नाउ हाउ द लिजर्ड सर्वाइव अप टू मूविंग विदाउट फ्रॉम दैट प्लेस, मतलब जो छिपकली थी वो हिली नहीं थी उस जगह से, लेकिन फिर भी जिंदा कैसे रह गई। तो ये उनके दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि किस तरह छिपकली जिंदा रह गई, जो हिट भी नहीं, जो कुछ जो इतने साल से बिना फूड बिना उसकी कैसे सर्वाइव कर गई। तो फ्रेंड हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बन सकता था इतने पैसे से, फिर आगे का पैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये आपको लिख दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच टाइप्स ऑफ वॉल्स वर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है, ये क्लर्क में डायरेक्ट आता है, तो आप पैसेज को पढ़िएगा एंड आप इसमें चार पांच ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको डायरेक्ट मार्क करना है। फ्रेंड एक नन ऑफ दीज ऑप्शन भी आता है, कई बार आपके साथ ट्रिक कर देंगे, नन ऑफ दीज ऑप्शन कई बार करेक्ट हो सकता है, इसलिए आप इसको एलिमिनेट टोटली कभी नहीं करिएगा। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आंसर है वो आपको पता ही है, आप तीर से पढ़ रहे पड़ेगा। तो वुडन वॉल्स फॉर यूज एज ए इंटीरियर डिजाइन। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई वाज द फैमिली, जो फैमिली थी वो क्यों अमेज्ड हो गई। फ्रेंड तो आप कुछ इररिलेवेंट टॉपिक दे देंगे, दे फाउंड देयर लॉस्ट रिंग, दे वर अमेज्ड टू द ब्यूटी ऑफ द, दे सॉ द स्पाइडर। तो फ्रेंड इस टाइप का इररिलेवेंट चीज भी टॉपिक में रख देंगे तो आप कभी कहीं भी लिख देते हैं कि स्पाइडर का कुछ जिक्र कर देंगे कहानी में। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से टॉपिक पढ़ना है एंड एक बार अच्छे से देखना है कि हर चीज़ की वजह क्या थी, बिकॉज रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फैमिली क्यों अमेज थी, क्योंकि दे फाउंड द लिजर्ड अलाइव, उन्होंने लिजर्ड को अलाइव देख लिया था। तो ये बहुत जेन्युइन रीज़न है एंड यही रीज़न है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड अब ये मैंने जिस तरह बताया था आपको कि
एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह का एक वर्ड है, जैसे मैंने बताया था वंडरिंग का आपको इन्होंने सिमिलर वर्ड पूछ लिया, मतलब सिनोनिम पूछ लिया है। इसका एंटोनिम भी पूछ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वंडरिंग का जो सिनोनिम है, तो इन्होंने 5 ऑप्शन दे दिए हैं, आपको सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। तो आप कई बार क्या होता है कि आपको नहीं पता होता है कुछ वर्ड्स का मीनिंग, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को 3 वर्ड्स का मीनिंग पता है, एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे। बिलीव मतलब होता है कि आपको विश्वास, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर देंगे। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीद लगाना, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर देंगे। तो आपको एस्ट्रोनॉमी का मीनिंग नहीं पता था, फिर भी आप एक तरीके से गैस कर सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शन सही है। एस्टोनिश मतलब होता है वंडरिंग, यानी मतलब सोच में पड़ जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, किसी चीज़ को देख के चकित हो जाना कि ये कैसे हो गया, ये हो ही नहीं सकता था, और क्या वजह है, मतलब अचानक से एक्सप्रेशन में चेंज आ जाना, टोटली आश्चर्यचकित हो जाना है एक तरीके से इसको कह सकते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं आगे की कहानी, देखते हैं आगे का पैराग्राफ, देखते हैं कि क्या हुआ आगे कहानी में, एंड आप समझे। तो फ्रेंड्स द फैमिली डिसाइडेड, अब जो फैमिली ने क्या डिसाइड किया, टू वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए रुका जाए, एंड सी द मैजिक। मैजिक मतलब क्या जादू है, जो लिजर्ट जो छिपकली थी, जो कि एक नेल से स्टक कर गई थी उसके पैर में, सर्वाइव मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सर्वाइव मतलब होता है कि जिंदा रह गई सेवरल मंथ ऑलमोस्ट एक साल के लिए जिंदा रह गई वो, विदाउट मूविंग, एक इंच भी मूव नहीं करी, फिर भी वो जिंदा रह गई। तो उसका क्या कारण था, तो द ऑब्वियस क्वेश्चन, मतलब ऑब्वियस मतलब क्या होता है, मतलब फर्स्ट मतलब जो बेसिक क्वेश्चन जो मतलब दिमाग में आता है, ऑब्वियस मतलब जो हम उस वर्ड को कभी यूज कर सकते हैं कि ऑब्वियसली मतलब बेसिकली मतलब फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ऑब्वियस क्वेश्चन क्या था, हाउ द लिजर्ड सर्वाइव्ड विदाउट फूड, जो खाना नहीं मिल रहा था तो सर्वाइव कैसे कर गई, क्योंकि वो तो मूव ही नहीं कर पा रही थी, एक इंच मूव नहीं कर पा रही थी, सर्वाइव कैसे कर गई। तो वाइल दे वर अरेंजिंग, तो वो लोग जब अरेंज कर रहे थे चीज़ों को, तो अदर थिंग्स वरना बिजी हो गए थे, तो अरेंजिंग द अदर थिंग दे हैड एन आई का मतलब होता है कि एक नज़र इस चीज़ पर भी रखे थे कि दूसरी छिपकली पर, तो उनकी नज़र एक दूसरी छिपकली पर भी थी। तो जो राज सन, जो राज का सन था, उसने शाउट किया इन अ वाइल, वो चिल्लाया कि डैड लुक हेयर, उसने अपने पिता को कहा कि लुक हेयर। तो अनादर लिजर्ड जो दूसरी लिजर्ड थी, अपीयर्ड कैरिंग द फूड इन द माउथ, वो खाने को अपने मुंह में कैरी करके ले जा रही थी। क्यों ले जा रही थी, यस दैट वॉज अ रियल सरप्राइज, ह्यूमंस ऐसा नहीं करते हैं लेकिन जानवर एक करते हैं, तो एक मोरल स्टोरी थी जो एक इंसानों को बहुत कुछ सिखा के जा रही थी। द लिजर्ड फैट द फूड मतलब कि उस दूसरी लिजर्ड को वो खाना खिला रही थी जो कि स्टक कर गई थी वॉल पे। तो ये एक बहुत ही अच्छी मोरल थिंग है कि कितना अच्छा एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी शो कर रही थी। दिस वॉज शो हार्ट टचिंग मतलब होता है दिल को छू जाने वाली बात, एंड एवरीवन वाज सो अमेज्ड, सब मतलब इससे इतना अमेज थे कि एट द लिजर्ड फीडिंग द स्टक फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड, वो थक नहीं रही थी, कंटिन्यूस हेल्प कर रही थी, एंड बोथ द लिजर्ड कैरीड द होप। अब फ्रेंड्स इस लाइन देख सकते हैं, बोथ द लिजर्ड कैरीड द होप मतलब क्या होता है, वो एक उम्मीदों पर जिंदा थी, उन्होंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। तो एक लिजर्ड कैरीड द होप, एक तरीके से आप कह सकते हो कि उन्होंने उम्मीद को नहीं छोड़ा था सर्वाइविंग, वो हर एक ऑल ऑड सर्वाइविंग अगेंस्ट ऑल ऑड एक फ्रेज हो सकता है, यूज कर सकते हैं कि हर ऑड मतलब हर एक विपत्ति के सामने आपको खड़े रहना है और आपको स्ट्रगल करना है, एंड आपको उसमें भी आपको जिंदा रहना है, एंड इमर्ज करके निकलना है उस सिचुएशन से, उस डिफिकल्ट सिचुएशन से आपको हर हाल में इमर्ज करके निकलना है। तो ये छिपकली ने उन लोग को सिखाया। तो इमर्जिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड, इमर्जिंग का मतलब होता है एकदम से उठना, एकदम से निकलना विपत्ति से, एक तकलीफ से, एक डिफिकल्ट सिचुएशन से आपको निकल के आने को बोलते हैं इमर्जिंग। तो फ्रेंड अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ जो कि इसका है, तो बोथ द लिजर्ड, ये बहुत ही एक तरीके से मोरल ऑफ द स्टोरी बता रहा है, तो बोथ द लिजर्ड हैड नेवर एंडिंग होप, तो लास्ट पैराग्राफ रहता है वो कॉन्क्लूजन तरीके का रहता है, एंड जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो बोथ द लिजर्ड हैड नेवर एंडिंग होप, मतलब उन्होंने कभी होप को कभी नहीं छोड़ा था, और ईच अदर उन्होंने एक दूसरे का भरोसा कभी नहीं छोड़ा था, एंड कैरीड हार्ट फुल ऑफ लव एंड केयर, एंड उनका जो दिल था उसमें फुल ऑफ लव एंड केयर थी, जो आज ह्यूमंस में नहीं है। तो आपको इस स्टोरी से बेसिक पॉइंट यही था कि आप सीख सकें कि किस तरह से एक जानवर इंसान को कितना कुछ सिखा देता है। द लिटिल क्रिएचर, छोटा एक क्रिएचर इज ब्लेस्ड टू कैरी सच अ वंडरफुल हार्ट एंड ब्रिलियंस, एक छोटा सा एक जानवर
इतना वंडरफुल हार्ट रखता है एंड इतना कुछ इतना ब्रिलियंस रखता है कि इंसान को इतना कुछ सिखा जाता है. तो व्हाई नॉट बी ह्यूमंस बीइंग द मैमल्स विद सिक्स सेंस बेस्टोड विद लग्जरीज. अब फ्रेंड यहाँ बेस्टोड वर्ड आ गया है, इसका डिस्कशन में क्वेश्चन में करूंगा आपको, तो अभी छोड़ते हैं. बेस्टोड विद लग्जरीज ऑफ लाइफ कैरी लव एंड केयर इन आवर हार्ट रादर देन हेट्रेड. तो इस तरह से हमें भी अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार रखना है, नफरत को नहीं रखना. तो ये एक तरीके से मोरल ऑफ द स्टोरी पूछी जा सकती है कि आपसे पूछ लेंगे जिस्ट ऑफ द टॉपिक क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है. तो आप इस पैराग्राफ को आप लिख सकते हैं, तो इस पैराग्राफ को आप शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देंगे कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है. तो अब देखते हैं यहाँ क्या पूछा है फ्रेंड, सिनोनिम्स ऑफ बेस्टोड. अब बेस्टोड का सिनोनिम क्या है, तो आपको नहीं पता होगा तो आप थोड़ा पढ़ के देखिए कि द मैमल्स विद सिक्स सेंस एंड बेस्टोड विद एंड बेस्टोड विद लग्जरीज. बेस्टोड मतलब समझ में आ रहा है, बेस्टोड विद लग्जरीज समझ में आ रहा है कि मतलब कुछ प्राप्त हुआ है, तो मतलब समझ सकते हैं मतलब कुछ मिला है लग्जरीज के साथ. तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि रिलीज तो नहीं हो सकता, अवॉइड नहीं हो सकता, रिफ्यूज नहीं हो सकता, डिप्राइव नहीं हो सकता. इसका मतलब ग्रांट हुआ कि मतलब ग्रांटेड विद मिल पाया गया है लग्जरीज के ऑफ लाइफ, मतलब इतना मिला है उसको, ग्रांट है. तो इस तरह से आप सिनोनिम ऑफ बेस्टोड का मार्क कर सकते हैं. राइट आंसर ग्रांट एंड और अदर ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं. तो ये एक स्टोरी मोटिवेशन देके जा रही है आपको कि आप इस तरह से आप हर चीज़ को फाइट कर सकते हैं और आपको हर चीज़ हर बात में आपको हिम्मत रखनी है, आपको होप रखनी है, आपको हर हाल में आपको होप रखनी है. इस तरह फ्रेंड इसी तरह एग्जाम्स में आपको कभी होप नहीं छोड़नी है. अगर आप आखिरी में हार रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि एक साल हो गया कि दो साल हो गया, आपको एक एग्जाम एक अच्छा दिन आपकी लाइफ बदल देगा, एक दिन आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देगा जो कि आपके आने वाले 30 साल 40 साल उस पर डिपेंड करते हैं. तो ये मत सोचिए कि अगर एक एग्जाम बिगड़ गया है तो मुझे नहीं करनी प्रिपरेशन. फ्रेंड्स आपको हर हाल में प्रिपरेशन करनी है एंड आपको हमेशा हेल्प करने वाले मिल जाएंगे. एंड आपको बस एक चाह कहते हैं ना कि एक चाह जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है. तो आप बस उस उम्मीद को कायम रखिए एंड वी विल प्रोवाइड यू कोर्सेज ऑन बेसिक एंड एडवांस ऑन ऑल कोर्सेज. तो फ्रेंड्स थैंक यू एंड